समय कितना बदल गया है, आजकल आप न्यूज देखो कितने बदल गए हैं। आजकल एक न्यूज चैनल पे अगर किसी के पास बड़ी खबर आ गई, अगर किसी सर फिरे ने नेताजी को थप्पड़ मार दिया तो कैसे किसी न्यूज बनाते आगे, ध्यान से देखिए। एक सर फिरे ने नेताजी को थप्पड़ मारा, अच्छा उसने एक मारा तो ये 50 बार दिखाते रिवर्स कर करके। तो नेता जब घर में बैठा देख रहा था ना, प्लैक प्लैक, तो पास में बीवी खड़ी पूछ रही होती, ए जी इतनी जोर से मारे थे के? अरे नहीं तो एक मारा था, ये साउंड डाला उन्होंने, इतना है नहीं। उसको गुस्से में ना 50 थप्पड़ वाला मुंह सूज जाता उसका घर बैठे बैठे, इतनी प्रॉब्लम। अच्छा पहले की न्यूज देखो आप, जो पहले सरकारी चैनल पे होते थे अंकल से आते थे बेचारे। अच्छा कभी कभी वोल्टेज कम होता था, चश्मा लगा के आते थे, इतना सा मुंह, इतना बड़ा चश्मा, उनका चश्मा फिर टीवी के बाहर चला जाता था। हिलते हिलते न्यूज पढ़ते थे जो, और बेचारे इतने डरते हुए पढ़ते थे ना कि आज भारत के प्रधानमंत्री, सॉरी भारत के प्रधानमंत्री, जैसे हम लोगों ने उनके पैसे काट लेने हैं। अभी तो न्यूज एंकर बड़ी स्टाइलिश आ गई ना, आज बताएंगे मौसम के बारे में जानकारी, लगता है कि मौसम इतना अच्छा है। ये सबसे सही बोला सब। उस समय के एंकर जो पुराने सरकारी चैनल पे थे वो तो कोई भी खबर दे लो एक ही एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते थे, आज प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया, सुबह तक तड़के मुख्यमंत्री को दिल का दौरा पड़ा, दौरा कोई भी एक्सप्रेशन सेम रहते थे। अच्छा आजकल देख लो न्यूज फास्ट होगी, फालतू का जोश भर देते कभी कभी। सुरेश रैना ने अगर 40 रन बना दिए तो जितनी स्पीड में उसने बनाए उससे स्पीड तेज स्पीड से बताते हैं, सुरेश रैना ने बनाए 40 रन धुआंधार और ऑस्ट्रेलिया के मनसूबे में पानी फेर दिया। 40 रन भी ऐसे बताते हैं जैसे उन्होंने 400 बना दिए। अब पुराने टाइम पे वर्ल्ड कप भी जीता थे ना तब भी ये न्यूज एंकर कैसे बताते थे, आज कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने अजय माने जाने वाली वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर विश्व कप पर पहली बार अपना कब्जा किया। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी अपनी शुभकामनाएं। अच्छा 26 जनवरी की जो परेड होती थी, जसदेव सिंह जी उसमें उनका वॉइस ओवर होता था और कमेंट्री भी वही करते थे, और वो सेम स्टाइल में कर देते थे, क्रिकेट कमेंट्री भी और 26 जनवरी की परेड भी, जैसे उनका बड़ा अंदाज बड़ा प्यारा सा था। भारत के वीर जवान तिरंगे को साथ लेकर चल रहे हैं, नारंगी सफेद और हरा रंग इस देश की अनेकता में एकता का प्रतीक बनकर सामने आ रहा है। अच्छा पता नहीं चलता था कब क्रिकेट में शिफ्ट हो गए, जैसे क्रिकेट में पहुंचे ना नवाब पटौदी की मजबूत स्तंभ की तरह मैदान पे पैर जमाए खड़े हुए हैं, दूसरे शोर पर इन्हें सलामी दे रहे हैं भारत के वीर बल्लेबाज गुंडप्पा विश्वनाथ। अच्छा जितनी देर में ये गुंडप्पा विश्वनाथ बोलते थे ना, आजकल 2020 में एक ओवर खत्म हो जाता है। टाइम इतना फास्ट आ गया ना, आजकल न्यूज वालों ने नई नई न्यूज बनाई है कि 60 सेकंड में 60 न्यूज, बड़ी फिर आती हूँ इतनी न्यूज होती नहीं है, कैसे करते एक ही न्यूज को तीन तीन चार चार बार बताते हैं। अच्छा एक ही न्यूज के अलग अलग पार्ट कैसे बनाते हैं, मोदी ओबामा से मिलने अमेरिका पहुंचे, उसमें दूसरी न्यूज दो देशों के दिग्गज नेता मिले, ओबामा ने किया गर्म जोशी से मोदी का स्वागत, दोनों नेता एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। अच्छा एक ही न्यूज है ये, क्या बात है, इसके 5 पार्ट बना देते हैं धीरे धीरे म्यूजिक डाल के। अच्छा पहले क्या 45 न्यूज तक तो ठीक आती है, 40-45, उसके बाद में ना ओबामा से शुरू करते हैं बात पहुंच कहां तक जाती है। मिर्जापुर में औरत ने पति का कान काटा, वाराणसी में शराब पी के आए दूल्हे ने मचाया हड़कंप, पटना में दहेज मांगने वाले ससुर पे थूक के भागी दुल्हन, दौसा में पेरेंट्स मीटिंग करने आई महिला को ले भागा हेडमास्टर। अब समाचार विस्तार से, मिर्जापुर में औरत ने अपनी पति का कान काटा, वो पति हमारे साथ मौजूद है, तो आपका कान जब काटा तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा कुछ एंकर होंगे आप देखेंगे पतले पतले से होते हैं, दुबले से खुले खुले कोट पहन के आ जाते हैं, और उनके प्रोग्राम के नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं, जुर्म से टक्कर। तो वो फिर सब लोगों को साथ में कैसे जोड़ते हैं, आइए हम और आप मिलके लेंगे जुर्म से टक्कर, उनको पता अकेले में ले नहीं सकता, अकेले लूंगा मार पड़ने के चांसेस है, तो फिर सबको साथ मिलाता है, आइए हम और आप पूरा देश मिलकर लेंगे जुर्म से टक्कर। अच्छा कोई सैड न्यूज चल रही होती है, आज उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाएगा, तो बीच में छोटे छोटे कार्टून भी आते नहीं थे पुटुक करके, तुम देख तो लो यार कौन सी न्यूज चल रही बीच में क्या डाल रहे फुल। अच्छा कभी कभी ना न्यूज वाले बाढ़ की खबर को कवर करने जाते हैं ना, तो आज पूछते हैं कि बाढ़ हाई है यहाँ पे इस एरिया में, तो लोग बहुत ही उदास हैं चिंतित हैं, किस आदमी से पूछ भी रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, बहुत विचलित हो रहे हैं, खाने की बहुत दिक्कत हो रही है, तो पीछे जो आदमी जिससे बात कर रहा है वो तो ठीक है, जो पीछे खड़े उनको कोई इंजॉय कर रहे होते हैं पीछे कैमरे को देख के। कुछ भी करते हैं लोग। अच्छा कभी कभी आप देखना कमेंट्री आजकल बड़ी तेज हो गई है, अच्छा जो कमेंटेटर सबसे ज्यादा जल्दी बदलते हैं, जैसे हमारे सिद्धू बाजी जब
अगर सहवाग बैटिंग कर रहे हैं, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनका बोलने का स्टाइल बड़ा मजेदार होता है। शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और ये लगा चौका। बड़ी-बड़ी दोस्ती करते हैं। शेर पहली दहाड़ में बता देता है उसके हौसले क्या है। आज अगर वीरेंद्र सहवाग 400 रन भी बनाए तो उसमें कोई दो राय नहीं। अगली बॉल में वीरेंद्र सहवाग आउट, इनके विचार कैसे बदलते हैं। देखो गुरु, मेरे पिताजी कहा करते थे घमंडी का सिर नीचा, ये कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोग न्यूज में आने के लिए ना अजीब अजीब काम करते हैं। इंटरनेट पर वीडियो देखा मैंने, एक आदमी 90 सेकंड में 150 कच्छे पहन लेता है। ये हमारे दिनेश ने पूरी लाइफ में इतने कच्छे नहीं पहने होंगे। इसका कच्छे को रंग भी छोड़ता था इसका, एक तो भले पीठ लाल हो जाए कच्छा नहीं चेंज करना है। आप में से कोई है जिसने ऐसा कभी ट्राई किया हो? हाय कपिल। हेलो, मैं संगीता अरोड़ा सिलीगुड़ी से आई हूँ। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत जगह से आई आप। हाँ जी, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू मैम। और मैं एक साल से ट्राई कर रही हूँ आपसे मिलने का। आपने पूछा कि लोग फेमस होने के लिए, न्यूज में आने के लिए कुछ भी करते हैं, तो मैं वहाँ सबको पहले से ही बोल के आई थी कि मैं कपिल के शो में तो जरूर जाऊंगी। मैं आज कपिल के साथ खड़ी हूँ, मैं तो वैसे ही फेमस हो गई, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर भगवान ना करे ये आपके वाला पोर्शन एडिट हो गया, कट गया, तो सिलीगुड़ी से आने का खर्चा गया आपका? नहीं सर, आप ऐसा नहीं करोगे। मैं तो करता नहीं, तो चैनल करता ना बाद में। नहीं नहीं, आप नहीं करोगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम शो में आने के लिए आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। आप में से किसी ने कोई अतरंगी सी न्यूज सुनी कभी आज तक न्यूज चैनल पे? जी मैडम। हाय कपिल सर। हेलो, मेरा नाम पूजा है, मैं न्यू बॉम्बे से आई हूँ। जी पूजा जी, शुक्रिया। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि वो न्यूज चैनल वाले बार 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 वो वियर्ड न्यूज दिखाते हैं, जी, ऐसा 2012 दिसंबर में कुछ ऐसी न्यूज आई थी कि कोई कॉमेट अपने अर्थ से टकराने वाला और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जी जी, 2012 में आया, फिल्म भी बनी उसके ऊपर। जी, और वो दिन रात यही दिखा रहे थे। सर मैं इतना डर गई थी जी, क्योंकि मैं सोची कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ना मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई, ना मेरी उम्र है जी, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलो कम से कम हम कहीं घूम ही आते हैं। अच्छा। तो मेरा बहुत शौक था कि मैं भूटान देख के आऊँ। अच्छा। हम भूटान चले गए जी, और 7-8 दिन घूम फिर के आए, और आज 2016 चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं सर। तो आप वेट कर रही थी कुछ हो? सर वेट नहीं कर रही थी, बट मैं बताना चाह रही हूँ ऐसी वियर्ड न्यूज है जो दिन रात आ रही थी। और पर आपको इस बात की खुशी है कि 2012 में कुछ नहीं हुआ ना? जी बहुत खुश हूँ सर। मुझे लगा आपको इस बात का दुख है कि इतना खर्चा भी हुआ और कुछ नहीं। दुख इस बात का है कि अब अगर मैं अपने हस्बैंड को कुछ बोलती हूँ तो बोलते हैं विश्वास मत करो, अब ये सब इंटरटेनमेंट हो गया न्यूज, कुछ रियलिटी है। जी आए सर। कहाँ है? अरे पीछे छुपे हुए, कैसे हैं आप? तो भाई साहब कितना खर्चा हुआ आपका भूटान पे? अराउंड 40-50,000 तक हुआ था। अच्छा, तो बाद में जब आप वापस आए आपने लिखा 2012 तो ठीक ठाक निकल गया। 2013 फर्स्ट ऑफ जनवरी को आपका मूड कैसा था? नहीं अच्छा ही था एक्चुअली, खुश तो थे कि कुछ हुआ नहीं करके। नहीं चलो अच्छी बात है, पूरी दुनिया सेफ रहे अच्छी बात है, अफवाहें तो आती रहती। पर आप वैसे करते क्या भाई साहब? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में। चलिए अच्छी बात है, चलो चाहे गलत न्यूज ही थी लेकिन आप मियां बीवी को टाइम स्पेंड करने का तो मौका मिल गया ना। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 12 साल। फिर तो काफी टाइम हो गया, कोई नहीं। चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद।